पवन सिन्हा जी, हम अक्सर हमेशा जब भी कई ग्रंथों की बात करते हैं, हमने देखा कई अलग अलग पुराणों में भी खुद भोलेनाथ की नगरी का जिक्र होता रहा है, उसमें उस स्वरूप को दर्शाया जाता रहा है। हालांकि मामला चूंकि अब कोर्ट में है, लेकिन किस तरह से ये पूरा एक भव्य प्रांगण रहा होगा, उसका अगर मॉडल पेश आ रहा है तो भी लोगों को दिक्कत क्यों हो सकती है? जी हाँ, एस भट्ट जी की किताब जो उसी दौर की किताब है, उस किताब के अनुसार यदि हम जाते हैं तो हमको बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि एक ये मॉडल है जो मॉडल आदरणीय विष्णु जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और ये मॉडल बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो भी चैलेंज्ड है, और उसमें ये नहीं आता क्योंकि दीन मोहम्मद साहब के समय का ये केस वैसे भी चल रहा है। और तीसरी बात ये आती है कि आप 350 साल को तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन 3500 साल को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात हुई ना। हम और आप भाई हैं, तो एक भाई अगर ये कहता है कि ये चीज इससे ज्यादा पुरानी है तो दूसरे भाई को कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, 350 साल पुराने इतिहास हम भूल जाते हैं, उससे पहले का जो है आप वो कर लीजिए, क्योंकि जो फरमान है औरंगजेब का वो एकदम क्लियर है, उससे पहले मोहम्मद गौरी का जो जो उसने काम किया है वो एकदम क्लियर है। तो जब हमारे पास एक प्रमाणिक इतिहास है जो ये कहता है, और ये इतिहास भाईचारे के लिए ये जरूरी है कि आप 350 साल से जो वहां कर रहे हैं, जो एक आक्रमण का रिपरकशन था, वो आक्रमण का रिजल्ट है, वो 350 साल पुराना है, जबकि उपनिषद जो है लगभग 6000 वर्ष के आसपास पुराने हैं। उनकी बात ना मान के 350 साल को आप ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाईचारा। अरे भाईचारा तो तब होता जब आप ये मानते दान हारावली, जो भट्ट जी की किताब है दान हारावली, उस दान हारावली को आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर मंदिर का मॉडल दिया हुआ है, और लगभग उसके कल्पना नहीं कहा, वहां जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कल्पना नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि लगभग उसी आधार पर ये बनाया गया है। एग्जैक्टली वैसा रहा होगा ये नहीं कह जा सकता, तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन सोहनलाल आदि जी जुड़े हुए थे जो कि इस पूरे मामले में लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग झेल रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है तो जब अंदर वीडियोग्राफी की बात हुई तब उसका विरोध किया गया, अब जब कार्बन डेटिंग की बात है, अगर ये वही बात है भाई, आखिर डर किस बात का है? हो जाने दीजिए कार्बन डेटिंग, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सांस को आज क्या वाली बात है। ये तो कार्बन डेटिंग के ऊपर लुटेरों में तो लूटों के पर खो गए, अब उनके पैर निकाल करेंगे तो सवाल ना करेंगे। माजिद हैदरी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं अपनी गर्दन हिलाकर, किस चीज का विरोध है? कार्बन डेटिंग का विरोध है या सच सामने आने का विरोध है? माजिद हैदरी, पूरे हिंदुत्व का विरोध है, पूरे सनातन का विरोध लोग कर रहे हैं। छत्रपाणी जी, माजिद हैदरी की कुछ कह रहे हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय तो हमारी राइट टू प्राइवेसी को आप कार्बन 14 डेटिंग के नाम पर उल्लंघन नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी के नाम पर उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें तो सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी के इंस्टीट्यूट का केस बनता है। मुझे लगता है कि इसको बहुत क्लियर करने की जरूरत है। एक मिनट माजिद हैदरी, मैं आपसे बहुत एक्चुअल सवाल जानना चाहता हूँ। दरअसल सवाल ये है, उस ढांचे को लेकर, उस आकृति को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो उनके भगवान शिव हो सकते हैं, मुस्लिम पक्ष को क्या बात की आपत्ति है, उसमें किस बात की छेड़खानी का डर है? आपके लिए तो फवारा है साहब, वो जाने दीजिए जो है सर, आपके लिए तो फवारा है ना? आपत्ति है सर, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी, एक तरफ आपको संविधान की बात कह रहे हैं माजिद हैदरी, इस बात को जरा समझिए। एक तरफ संविधान की बात कहते हैं, कोर्ट की बात कहते हैं, कोर्ट वही अगर जब अगर फैसला दिखाता है तो उसके बाद में फिर आपत्ति जताते हैं, ये डबल, ये जो आपका एक डबल मानसिकता या फिर इस तरह की चीज कैसे चल सकती है? लेकिन पवन सिन्हा सर, इस बात को जरा समझाइए, अब माजिद हैदरी कह रहे हैं भाई यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, शिवलिंग अगर हमारे लिए वो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर अगर वीडियोग्राफी होगी, कार्बन डेटिंग होगी, तो उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है वो?
जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये राइट टू प्राइवेसी का हनन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर पर दूसरे व्यक्ति ने दावा ठोका है, तो यानी हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि ये स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल बिलोंग नहीं करता, वहाँ पर वीडियोग्राफी करा सकती है, फोटोग्राफी करा सकती है, पेंडिंग टीम आ जा सकती है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी नहीं है। वक्त की बात करें तो 1967 के बाद की एक रेगुलेशन है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। वैसे भी जो नहीं आ सकता किसी के, अगर दूसरा